समस्त को प्रथम ख्रीष्टीय नमस्कार प्रभु धन्यवाद हो आउ थे आपण मान सहित रविवार दिन प्रभु निकट में स्तुति आराधना करने आज सुजोग मिलू धन्यवाद आज वाक्य देवाई जो सुजोग आपण मैंने तेणुक समग्र मंडल को धन्यवाद दिए पुलपिट कमिटी संपादक एवं बोर्ड समस्त कर्मकर्ता को धन्यवाद दिए। आज सका संडे स्कूल पिला माने खजूरी बाहंगा नहीं कि मंडली आम जो मंडली गृह अच्छी तार चतुर्पाश्वर से माने गोटे शोभायात्रा करते कहीं करेतु आज दिन में प्रभु जीशुंकर विजय यात्रा कहा जाए ये रविवार दिन जो यात्रा प्रभु जीशु जेरूसलम को जाऊँच को विजय यात्रा कहा जाए तो पिला स्मरण करने निम्ते से ज्ञान देवा निम्ते कराई आति उत्तम कथा एवं एक आनंदर कथा ये आनंद एवं विजय यात्रा मध्य मुझे आज गोटे प्रश्न पचार प्रश्न हूँ रविवार दिन जो जनता होसाना प्रभु नाम से धन्य दाऊद सतान होसाना जो कहते ये चारिदिन भितर कौन है जे शुक्रवार दिन से माने क्रुशरे चढ़ाओ क्रुशरे चढ़ाओ ताकू क्रुशरे चढ़ाओ किपर है चार दिन मध्य कौन घटला से विषय आज आम अल्प समय चिंता करवा आसतु प्रार्थना करवा धन्यवाद महिमा स्तुति आराधना योग्य परमेश्वर तुम नाम गौरव महिमा स्तुति हो प्रभु तुम विषय चिंता करवा तुम विषय प्रभु कौन सी प्रचार करवा मान योग्यता ना कि तुम्हें तुम से पवित्रात्मा के दे तुम लोक मान कथा कह आज प्रत्येक को तुम चरण तल को आणुच प्रभु तुम आम से हृदय दि से बुझार शक्ति दि जपर वाक्य बुझु मत प्रभु तुम्हें तुम से पवित्रात्मा दे परिपूर्ण कर जेपरी मंडली को तुम वाक्य देवाई सक्षम है ये प्रार्थना प्रभु श्री ख्रीष्ट नाम मगुची आम खजूरी रविवार को ख्रीस्टियन माने सारा जगत रे सारा पृथ्वी रे विजय यात्रा बोल कि नामित आउ जो जनता से दिन प्रभु को होसाना जयगान करुले से जनता शुक्रवार दिन प्रभु को क्रुशरे चढ़ावाई कहते आउ जो रोम रो शासनकर्ता थिले सेमाने मध्य जो जीवदीय धर्म नेता थिले तांको सहित मिसी तांको मृत्युदंड दौंते ताहेले आज आम से विजय यात्रा कौन विजय यात्रा पर आम देखु जदि देखुनु से जो समस्या कौन आज चिंताधारा होतोटी समस्या विषय चिंता करवा चारिदिन भितर कौन है जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से मैंने क्रुशरे चढ़ाई कहले आम जब वाक्य पठन कलु माथ्यू एक पर्व एक रु एगार जे सी बेतफागी बोली गोटे स्थान जीत पर्वत पाखक जो आईज शिष्य को डाक कहते तुम्हें निकटवर्ती गोटे ग्राम को जाओ आओ से देख गोटे गर्धवी बंधाई थो तार शावक भी थो तुम्हें फिटाई आणव जदि किए कह कहीं नौ ताल कह प्रभु प्रयोजन अच्छे आद अनुसार शिष्य मैंने गले गर्धवी देखिले शावक मध्य देखिले पिटाई आणले आ वस्त्र ढादे आक मैंने उत्साह सहित आनंदर सहित ओसाना कह कि प्रभु जीशु को से मैंने जेरूसलम नगर प्रति सहित शोभायात्रा कले तापर वाक्य कथा लिखा जाए जे जिखरिय भावतीवादी जो वाक्य पूरण हम देख गो सौन कने आनंद कर उल्लास कर देख तुम राजा तुम निकट को आस गर्धवा रही से नम्रशील
आउ सी तुम निकट को आसमें धन्य घटना घटीगला घटला समस्ते जेरुसलम नगर को गले प्रथम समस्या ये खजूरी रबार समस्या प्रथम समस्या होची जे दुईटी चिंताधारा गोटे चिंता होची जे खजूरी पर्व राजा जहाँ मान मसीहा आसवे से जेरुसलम नगर को आगमन करुछंती लोक मानकर आशा लोक मानकर भरोसा जेतु से माने जानिछंती जे तांको पाई मसीह आसवे तेणु तांको से पाछटी नौछंती जेरुसलम नगर को आउ जगर को जेतेले से पाछटी नौछंती समस्तंकर एकमात्र आशा जे ये आममानको राजा हेबे किंतु परवर्ती समय देखुचु आ गोटे चिंताधारा आसीगला कौन शुक्रवार दिन से राजा हो नी दुखभोग कर गुरुवार राति दुखभोग कर दुखभोगर आउ एक चिंताधारा एक विजय जात्रार चिंताधारा आउ एक चिंताधारा हूँ दुखभोग जोटा को आम पैशन ऑफ क्राइस्ट बोली कहू माइल गिब्सन केते वर्ष तले आपण मैंने देखिथे पैशन फॉर क्राइस्ट बोली गोटे से चिंतार से गोटे फिल्म तैयारी कर फिल्म बहुत आदृत होता से बहुत गभीर भाव चित्रण कराई जे से गुरुवार राति शुक्रवार दिन किपर प्रभु जीशु जो दुखभोग कर चित्रण कर देखते केते कष्टदायक एपरिकी मत मन पड़े मुझे बैंक रे कार्य करी मोर जड़े सहकर्मी आर दिन कहले जे आज्ञा आपण काली गोटे फिल्म देखिले कि टीवी रे ना कौन ना पैशन फॉर क्राइस्ट मु आज्ञा देखि पारलिनी मते एते दुख लागला से बंधु कहिथिले से दिन मोर मन पड़े तेणु ये दुईटा चिंताधारा होची खजूरी रबार चिंता पर समस्या गोटे होची खजूरी पर्व आनंद उल्लास आउ एक होची दुख भोग जोटा कि पैशन ऑफ क्राइस्ट बोली आम कहू आमे मध्य आज से समस्या आम समस्या रे सम्मुखीन आसतु से समस्या गुड़ाक आम समाधान पथ बाहर करवा ना से चिंताधारा आम निकट सदा सर्वदा रो प्रभु जीशु ख्रीष्ट तीन वर्ष जाक शिष्य मैंने सांगे थे वाक्य शुणुले सहित गमन करुले तांको सहित जीवन दिन जापन करुथिले बहुत आश्चर्य कर्म सब देखिले आउ निजे मध्य से स्वीकार कले ये निश्चय ईश्वर पुत्र आ प्रभु को स्वीकार कर कहले आपण प्रभु जीशु परमेश्वर पुत्र किंतु से गुरुवार दिन आम देखुचु जड़े शिष्य विश्वासघातकता करुच शिष्य मान बार जन भर जड़े विश्वासघातकता करुचे आउ से फारसी एवं साधुकी माने से माने योजना करुछंती गिरफ कराऊछंती इस्कारियोत यहूदा माध्यम रे गिरफ कराऊछंती रोम शासनकर्ता मान सहित ये धर्म नेता माने ये जाजक फारसी साधुकी माने मिसी तांको निकटे गोटे दोष प्रस्तुत करेतु रोम्र शासन एपरी सिस्टम थिला जे विचार पूरा ट्रायल हे दोष निर्धारण ना ट्रायल हेनी तेणुक से दोष प्रस्तुत करोष दिजो आ चतुर्थ रोमिय शासनकर्ता दंड विधान कर खजूरी पर्वर वृत्तांत कौन घटा जासंता रविवार दिन ता पूर्व गोटे छोट ट्रेलर नहीं तेणुक आम से रविवार पर्यटन सप्ताह जाक आम वाक्य शुणा से विषय को मुझे मुझे ने कि आप निकट को रखी केवल यही जो चार दिन घटना सब उपरे आम टे आलोकपात करवा
दुईटी समारोह यात्रा होता गोटे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेरुसालम को यात्रा करोटे कहा जाए पिला तो जे कि गवर्नर निजुक्त होते से जेरुसालम को आसकी ना तीस मसीह जड़े ऐतिहासिक रोम्र रोमिय ऐतिहासिक जो मार्कोस बर्ग बोल कि से लिखिंट ये रोम को जिते ये रोमियो शासनकर्ता जीशुं जन्मर 80 वर्ष पूर्व रोम को शासन कर 80 वर्ष भितर विभिन्न प्रकार घटना घटी आ रोमियो शासनकर्ता नियम थिला जे कौनसी पर्व सही समय रे गवर्नर जाकि राजधानी रे उपस्थित रहिबे आ पर्व कौन आसला निस्तार पर्व निस्तार पर्व कौन ना जीहूद माने जेते बेले मिसर रु दासत्व रु उद्धार प्राप्त होकर बाहर परमेश्वर किपर से उद्धार कले से विषय स्मरण करी निस्तार पर्व पालन करा जाए किंतु तार उद्देश्य कौन ना गोटे देशर स्वाधीनता लाभ करिया मिसर देशर ये रोम शासन माने तांकू से पर्व अनुमति देखे आचंबित तो लगे कौन पाई जो देश से स्वाधीनता मानुंट से स्वाधीनता मानवापी पर्व को ये रोमियो शासनकर्ता अनुमति देखते जेहेतु से पर्व आसूची गवर्नर को जेरुसालम उपस्थित रही बाध्यतामूलक अटे तेणुक से कौन कर ना सैन्य सामंत धरिकी आतर रोम शासन रोम्र सैन्य हो पृथ्वी विख्यात अत्यंत पराक्रमी निष्ठुर आउ बहुत वैभवशाली आउ से सैन्य सामंत धरिकी से जेरुसालम नगर में जेरुसालम पश्चिम द्वार रे से प्रवेश कर समय रे पूर्व पटु प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रवेश कर प्रभु जीशु नाजरीतरे बाल्यकाल से जापन करते नहीं नाजरीतर 5 किलोमीटर द्वार दूर रे ये ऐतिहासिक लेखंती से विप्लव आरंभ होता रोम रोम सरकार विरुद्ध आ कहा जाए 2000 जीवदी को रोमियो शासनकर्ता फाँसीदंड देते किंतु रोम्र सैन्य मैंने दमन कले आंदोलन को दमन करके जेरुसालम को आक्रमण कले एवं से माने सेठी तांकर शासन चलाउथिले आउ ये जेरुसालम मंदिर अल्प दूर रे रोमियो मानंकर सैन्य मानक ठूल होगापी ओडिया रे कौन मु जानि इंग्लीश रे कहती गेरिसन माने सैन्य सामंत देकि से जो गोटे जगार समारोह करे आर शक्ति प्रदर्शन करे आए जेरुसालम निकटवर्ती स्थान रे से प्रदर्शन करते दिन ये ऐतिहासिक लेखती अंपटे आम आसवा बर्तमान प्रभु जीशु ख्रीष्ट यात्रा प्रभु जीशु ख्रीष्ट माथ्यू मार्क दुईट पुस्तक लिखा जाए से जेरुसालम को विजय यात्रा करा यात्रा किपरि पराक्रम शक्ति प्रदर्शन ना तांकर होची प्रेम शांति दया आउ क्षमार तांकर यात्रा अति नम्र अत्यंत विपरीत चिंताधारा गोटे पटे रोम्र जो सैन्य सामंत पराक्रम शक्तिर प्रदर्शन अन्य प्रखरे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर तांकर से नम्रता आउ निजर प्रेम से प्रकाश करुछंती तेणुक जिखरियो नौ लेखा जाए जिखरियो भविष्य वक्ता नौ पर्व नौ लेखती गो सिओन कन्ये अतिशय उल्लास कर गो जेरुसालम कन्ये जयध्वनि कर देख तुम राजा तुम निकट को आसुअ से धर्ममय
ପବିତ୍ର ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଆଗରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବା ରହି ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲମକୁ। ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହି ଜିକରିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସେ ନଅର ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଏ ଦଶ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦଶ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ଆମେ ଇପ୍ରିୟମର ରଥ ଜେରୁସାଲମରୁ ଅଶ୍ୱ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ ଧନୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଶାନ୍ତିର କଥା କହିବେ। ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନଦୀ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଯେହୁଦୀମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ସିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ରୋମ୍ ସୈନ୍ୟ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ସମାରୋହ ସ୍ୱରୂପ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲମ ନଗରକୁ, ଆଉ ଏଥିରୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ପଠନ କରିବା ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ରୋମ୍ ସୈନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଜୟ କରିବେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦାସତ୍ୱରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାହାଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରା ରୋମ୍ ସରକାରଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଆରାଇ, ସେଇ କାଳରେ ଯିଏ ରାଜା ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱ। ରୋମର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଖଣ୍ଡା ବର୍ଷା ଢାଳ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ତାର ବିପରୀତ, ଏକ ଗର୍ଦ୍ଧବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମାଥିଓ ତାର 11 ପର୍ବରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗାଲିଲିଓ ନାଜରିତୀୟ ଭାବବାଦୀ। ଏ ଭାବବାଦୀମାନେ ସେତେବେଳେ ଗଦରେ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ଯେତେ ଭାବବାଦୀ ସିଏ ଗର୍ଦ୍ଧ ଉପରେ ଏକା ବସିକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧାରଣା, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଇଏ କେବଳ ଏକ ଭାବବାଦୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା, ଏଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବେ ନା ଏଇ ଜଗତର ରାଜାଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋମ୍ ସରକାର ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ନମ୍ର ଗର୍ଦ୍ଧବା ରହି, କାହାକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ମଧ୍ୟ କହିବେନି ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ସେ ଜୟ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା, ନେତୃତ୍ୱର ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, କ'ଣ ଆମର ନେତା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ, ଆଉ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଭାସି ଯାଉ ସେ କଥାରେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କଥା 3.5 ବର୍ଷ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଏକ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ହେବେ ସେ। ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଅତି ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆଶା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରାକ୍ରମୀର ରାଜା ହେବେ। ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସିଏ ଯେତେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଠୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହ, ତୁମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରୁଛ।
ତାପରେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। ସେଇଠାରେ କାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ, ଫାରୋକି ସାଧୁକୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏଇ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ପଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସେସବୁ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ମସିହା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବିଫଳର ମସିହା। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିବା ଟିକେ ସହଜ ନୁହଁ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମେ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର 3.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଯୋହନ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି, ମନ ପ୍ରେରଣ କର। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମାନ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ରୋମ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ରୋମ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାତକୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟସ୍ କାଇସର, ରୋମିଓ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବ ଏବଂ ଦେବୀ କହୁଥିଲେ, ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡେସ୍। ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଗଡ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କିଏ କରୁଥିଲେ? ପିଲାତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପିଲାତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ, ଏକ ପ୍ରେମର ରାଜ୍ୟ, କ୍ଷମା ଏବଂ ଦୟାର ରାଜ୍ୟ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା। ସେଇଦିନ ପିଲାତଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜନତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 2ଟି ଚୟନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବାରବା ଯିଏ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ମସିହ, ସଫଳ ମସିହ ନୁହଁ, ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ମସିହଙ୍କୁ ଏଇ 2ଟା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଯେହେତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବେ, ଲୋକ କହିଲେ ବାରବାକୁ ଛାଡ଼, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଧରା। କାହିଁକି? ଇଏ ତ କିଛି କଲେନି, ଇଏ ଯଦି ଆଜି ଏଠି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା କରିବେ। ଇଏ ରୋମ ସରକାର ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ, କଷ୍ଟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାହା ହେଉ, ଆମ ରୋମ ଶାସନକର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ଉତ୍ତମରେ ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଏ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯେ ଆଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ 4 ଦିନର ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ପଚାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରାଜା ଦରକାର? ସେଇ ରୋମିଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପିଲାତ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ? ଆଜି ଆମ ପ୍ରତିଦିନରେ ସେଇ ସମକ୍ଷାରେ ସମାଧାନ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି
यही सरकार आई से ही सरकार आसला केते प्रकार मु व्हाट्सएप मेसेज पाउची विभिन्न आमर भाई भौनी माने आतंकित होउचंती केतरा जगह रे एभलिया मध्ये फोटोग्राफ कर देखौचंती जे से मध्ये देखिबा लोक को लज्जा लागिव अपमान लागिव सेरा कोथि पई से छाडले मु मध्ये बुझि पारेनी या भितरे केते जने जने बंधु से किए मु जानिनी जड़े पालक तांको सहधर्मिणी कर उलग्न फोटो से छाड़ी व्हाट्सएप आईटा ख्रीस्टन आमर पालक को से अत्याचार कर प्रचार करने समय फोटो जो छाड़े फोटोटा छाड़ापी कौन तक ये भल लगुला आज से ही समस्या आमर कौ शासनकर्ता देखा से रोम पिला से पश्चिम द्वार जेरुसालम पश्चिम द्वार से शक्ति प्रदर्शन कर अपर पक्ष जीशु मृत्यु भोग कर से राजा नुहंती जगतर परिवर्तन नहीं आम मान आज यही समस्या गारी तेणु मु आपण मान प्रश्न पचारे आपण मान को आपण माने कहा को राजा बोली आज ग्रहण करछंती अल्प समय आम चिंता करिबा जे आम राजा किए वाक्य कौन कहे देखिया जीशु विषय जीसाए 53:9-7 आपण माने जानिछंती पिला माने संडे स्कूल पिला समस्ते जानिछंती देखो आम मान निमंत एक बालक जन्मे नाम इमानुएल देवे से ताणकर्ता पराकांत मंत्री इत्यादि 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 तापर नूतन नियम देखुचु बाप्तिजक जोहन कौन देख से जुवामेष प्रभुंकर से जुवामेष आसुचंती पादुका मध्य फिटवाप मोर योग्यता नुह तापर जीसाए 53:3-5 आम देखु से आम मान निमंत ताड़ना प्राप्त होती से दुखग्रस्त से आम मान पाप निमंत कृषर हत होती मंडली को पाउल प्रेत लिखुंसे लिखुं प्रभु जीशु को जाजक प्रभु जीशु अनंत कालीन जाजक जाजक तो महाजाजक से आउ प्रभु जीशु से कृषि आम देखु मृत्यु को जय कर परमेश्वर ये मृत्यु को जय कर तृतीय दिन में पुनरुत्थान होती आज से जीवित से ही राजा जे राजा कि आम मानकर राजा से ही राजा जे आम मानकर सी होती मेष शावक से राजा जे आम मान निमंत से बलिकृत होती से ही राजा जे आम मान निमंत कृषर हत होती कौन सैन्य नहीं निकट में खंडा नहीं क्या से बद्ध करती ना कौन से राज्य जय करती ना से जीवन दिंती राज्य स्थापन करती अनंत कालीन राज्य से दिंती जो राजा कह सहित तो, केबे को राज्य को से ईर्षा करी क्या मृत्युदंड देवार लेखा जाए शास्त्र जो राजा शांतिर बार्ता नहीं आस जो राजा तांकर प्रेम को ये जगत को प्रकाश कर भाई भौनी माने आज समस्या रे प्रतिदिन समस्या रे ये विषय आम चिंता करूँ आम से दिन निज निज को जेरुसालम रे से निवासी बोली भावु जदि ओसाना जयगान कलु से दिन 4 दिन पर कहीं कृषारुप्त करूचु आज मुझे करूनि तो आज कौन मुझ जगत राता प्रति कंप्रोमाइज करूनी तो सीदिन
से आमर धर्म नेतागण तांक सहित रोम सरकार सहित कंप्रोमाइज करथिले काहे कि करथिले मंदिर रे समान अत्याचार करथिले मंदिर रे व्यवसाय करथिले जनता टिकस आदाय करथिले रोम सरकार जहाँ न करिवो ये माने ताटू अधिका करथिले तांकु सेटा लाभ होतला तेणुकरी सी विदेशी सरकार सहित हाथ मिलुथिले आज कौन से समस्या आम निकट में नहीं कि जदि आज से समस्या अच्छी आम क्या सहित तो हाथ मिले ये जगतर राजा सहित तो। जे केवल ये जगतर किसी सामयिक सुख दब ना जो राजा जी आम मान पाप निम्ते आपणा क्रूस बलिदान कले जो राजा समस्त पाप भार बोने जद्वारा कि से मृत्यु को जय कले जो राजा से मृत्युर नावड़ भांगी तृतीय दिन में पुनरुत्थान होती शेषे से ही राजा जे कि आसुंट आई जो दिन आसवे यही रोम सैन्य अश्व यही वर्षा जहाँ लेखा जा पुस्तक आउ कि रही मुझे से वाक्य आप पढ़ी शुणे दूसरी पुणे आम इफ्रेम रथ जेरुसालम रस्त्र उच्छिन्न करवा युद्ध धन उच्छिन्न हम आउ सी गोष्ठीगण को शांतिर कथा कहे राज्य एक समुद्र ठार अन्न समुद्र पर्यंत नदी ठार पृथ्वी पर्यंत हम निश्चय हम आपण मैंने आज निराश हूँ ना से दिन आसुअ किंतु आम मान चयन कौन हो आम चिंतार चयन से दिन जीवदी मैंने चिंता कले जे ये मसीहा इंस्टेंट रिजल्ट सांगे सांगे रिजल्ट रोम सरकार को परास्त करके आम मान को से जीवदी राजा से प्रतिष्ठित हे कि नुहे ईश्वर का एक समय अच्छी ईश्वर इच्छा अच्छी ईश्वर योजना अच्छी आम से चयन को जीवा आम दुईटा थियोलोजी मध्य आम आज भ्रमित होगा ना गोटे थियोलोजी हूँ जे य जगतर थियोलोजी जो थे कि आमर फारुकी फारुसी साधुकी माने जो कंप्रोमाइज करी धर्म नीति सब बाहर करते कि अन्य एक थियोलोजी हूँ प्रभु जीशुंकर कृष्य मृत्यु आम मध्य आज से दुईटी विषय चिंता अच्छी किंतु आम गोटे विषय निर्णय करवा जे मुझे आज आराधना कर आम राजा आसुंट आउ जो दिन से आसवे अग्निरथ रे मेघ रथ रे अग्निरथ रे से आसवे आसी विचार करे सम्मुखें कौन सी गोष्ठी छिड़ा हो पारे ना यहाँ निश्चित कौन सी राजा से आज जो सरकार हो से जो मुख्यमंत्री हूँ जो प्रदेश हूँ ताक निकट में सी ठिया पारे ना आदन आसुच्छी अतिशीघ्र आसुपे आज निजर चयन करने समय निजर व्यक्तिगत प्राणकर्ता बाछवा समय चिंता करतु जे आम क्या राजा करवा किए आम राजा प्रभु जीशु को ना से पिला तुम आसतु आज दिन यही चिंतारू आरंभ करवा आउ सात दिन पर्यंत आम मैंने विभिन्न प्रकार वाक्य शुणा जाऊँ प्रभु जीशुंकर मृत्यु विषय पुनरुत्थान विषय तेणुकि से विषय मुझे आज चिंता कली ना मुझे आज यहाँ चिंता कली जे ना ये प्रथम दिन आम मान चिंताधारा को प्रकार हवा कथा तेणु आज आम निजे निजे प्रस्तुत करूँ जे को राजा को आम मैंने ग्रहण करने जाऊ दल आम आज सामिल होगापी जाऊँ जो जनता क्रूसर चढ़ाओ से जनता से दल ना ये विश्वासी भाव निजर परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करने आम आज निष्पत्ति प्रभु आम समस्त चिंतार आशीर्वाद करूँ।